सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल किचन कला को और बेल आइकन दबाइए हमारी नई नई रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम आपको दिखाएंगे पाइनएप्पल का जूस कैसे निकालते हैं और पाइनएप्पल को काटने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा पाइनएप्पल लेंगे और उसके आगे और पीछे के हिस्से को काट लेंगे। अब हमें पाइनएप्पल को ऐसा सीधा खड़ा रखना है और उसके चार टुकड़े करने हैं। अब हम पाइनएप्पल के बीच वाले मजबूत हिस्से को काट कर निकाल लेंगे। अब इन चार टुकड़ों को बीच में काट के उनके आठ टुकड़े कर देंगे। अब इन सभी टुकड़ों का बाहरी हिस्सा काट कर निकाल लेंगे। अब हम इन लंबे टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमने हमारे पाइनएप्पल को एकदम सही तरीके से काट लिया है। अब हम इन छोटे काटे हुए टुकड़ों को एक मिक्सर जार में डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। मिक्सर का ढक्कन बंद करके उनको थोड़ी देर के लिए क्रश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पाइनएप्पल के टुकड़े अच्छे से क्रश हो गए हैं। तो इसमें अब 3 से 4 टेबलस्पून जितनी चीनी डालेंगे, आधा टेबलस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और आधा टेबलस्पून जितना काला नमक डालेंगे और आखिर में आधे से एक ग्लास जितना पानी डालेंगे। अब हम मिक्सर का ढक्कन बंद करेंगे और हमारा पाइनएप्पल का जूस अच्छे से तैयार ना हो जाए तब तक उसे चलाएंगे। लीजिए दोस्तों, हमारा पाइनएप्पल का जूस तैयार हो गया है। तो उसे मिक्सर पर से निकाल देंगे। अब हम हमारे जूस को एक बर्तन में एक छलनी की मदद से अच्छे से छान लेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर हमारे जूस को छलनी में अच्छे से छान लिया है। तो अब हम हमारे पाइनएप्पल के जूस को सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। अब हम जूस में ऊपर से 2-2 आइस क्यूब डालेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा ठंडा ठंडा पाइनएप्पल का जूस तैयार है। आप इसे किसी भी मौसम में बना सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।